हमारी इंडस्ट्री में इरफान इतने बड़े कलाकार कल गुजरे, अभी हम अफसोस मना रहे थे, जता रहे थे, कोई उनके मैयत पे नहीं जा पाया, उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, मेरे घर के बगल में थे, इससे बड़े अफसोस की क्या बात है। अभी उससे उभरे नहीं, आंखों के आंसू सूखे नहीं, दिल संभला नहीं, और अब सुबह सुबह ये मनहूस खबर। मैं तो बस भगवान से मना रहा हूं कि ये साल अभी ही खत्म हो जाए, ये अप्रैल में मई में ही खत्म हो जाए, ये आगे नहीं बढ़े। ये इतनी जाने लेके जा रहा है, इतनी मनहूस खबरें दे रहा है कि कैसे संभाले दिल को, कैसे बर्दाश्त करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। अल्फाजों का अब कोई मायने नहीं रह गया, कंडोलेंस का कोई मायने नहीं रह गया, सिर्फ यादें रह गई हैं अभी। और इस बीच जहां हम लोग अपने घरों में कैद हैं, नजरबंद हैं, यहां इस तरह से लोग चले जा रहे हैं हमें छोड़ के, मतलब इससे ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी और इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। ब्लैंक हूं इस वक्त, मैं आसमान देख रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, देख रहा हूं कि ये ईश्वर के गर्भ में है क्या, क्या क्या खेल और करना चाहता है। और लेजेंडरी एक्टर इरफान भाई जैसे रहे, वैसे ऋषि साहब, चिंटू साहब, लेजेंडरी एक्टर, ये लोग लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स एक्टिंग के लोग, महारथ जिनको कहते हैं ना, कि देश को इन्होंने एंटरटेन किया, इतना एंटरटेन किया है, हर पल इन्होंने एंटरटेन किया। ऋषि साहब बहुत नेचुरल एक्टिंग, बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और हमको लगा था तुरंत अब वो फिल्में शुरू करेंगे, बिकॉज बहुत सारी फिल्मों में अभी वो रूप धारण करके एंटरटेन अच्छे से कर रहे थे।